हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखो, अपना फर्स्ट चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज मैं तुम्हें करवाऊंगी उसकी एक्सरसाइज। तो देखो, अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें जो राइट आंसर है उस पर क्या करना है, टिक करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीन प्लांट्स टेक इन मैन्यूर्स फ्रॉम, मतलब ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मैन्यूर किसके द्वारा लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन तुम्हें दिख ही रहे हैं, मैं आंसर बता देती हूँ, सॉइल के द्वारा, मतलब मिट्टी के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, तो क्लोरोफिल है वो किसमें प्रेजेंट होती है, किसे पाई जाती है, किसमें पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखा है, ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है, मतलब पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अब स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स इन, जो स्टोमेटा होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं। देखो ऑप्शन है तुम्हारे सामने, जैसे मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है लीव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें किसकी जरूरत नहीं होती है, तो किसकी जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिचर प्लांट इज एन, तो पिचर प्लांट है वो एक क्या है, इंसेक्टिवरस प्लांट। वो क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के खाता है। अगर तुमने मेरा कल वाला वीडियो अगर ध्यान से देखा तो तुमने ये जरूर देखा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट जो है इसमें है वो है डैश आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। अब देखो कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्लांट का जो किचन है वो कौन सा है, किसको हम बोल सकते हैं प्लांट का किचन, तो कौन सा है, लीव्स। अब क्यों, क्योंकि लीव्स के द्वारा ही खाना बनाया जाता है, लीव्स में, मतलब उससे अगर लीव्स नहीं होगी, ग्रीन लीव्स नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा। तो किचन ऑफ प्लांट किसको बोलेंगे अपन, लीव्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, स्टोमेटा हैव गार्ड सेल, ठीक है, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती है विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वो क्या करती है कि जैसे स्टोमेटा जब ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं तो इसको वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, ओके। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसे भी पूछा जाए ना कि गार्ड सेल का क्या काम होता है, तो यही है कि ये क्या करती है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपना थर्ड, फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द डैश ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करती है, क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करती है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में, ठीक है। मतलब वापस बता देती हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन करती है, ठीक है, समझ आया ना। अब नेक्स्ट देखो, फार्मर्स एड डैश इनटू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स नाइट्रोजन कंटेंट। अब देखो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करने के लिए किसको ऐड करते हैं, मैन्यूर को, मतलब खाद को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, कसकट्टा इज अ डैश प्लांट, अब कसकट्टा है जो किस टाइप का प्लांट है, अगर मेरा कल वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें समझ आएगा, तो कौन सा है वो, पैरासिटिक प्लांट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स मोस्टली ग्रो इन द सॉइल विच इज पुअर इन डैश, मतलब इंसेक्टिवायरस जो प्लांट होते हैं मोस्टली ये मतलब ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब नेक्स्ट देखो, सी क्वेश्चन अपना है राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है अपने को। तो फर्स्ट इसका होगा
स्टोमेटा आर टाइनी पॉर्स प्रेजेंट इन लिव्स। स्टोमेटा होते हैं जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो लिव्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्रू और फॉल्स, इसमें क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कंटेंट होता है, होता है तो क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, मतलब पौधे होते हैं, वो एयर में से डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, तो सच में नहीं कर सकते, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। अब देखो नेक्स्ट, लीचेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एन अल्गा एंड अ फंगस, मतलब लीचेन एक प्लांट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा अपना फूड बनाता है। इसमें क्या होता है, इसे दो पौधों के, मतलब दो पौधों से ही मिलकर बनाए, एक तो है अल्गा, दूसरा है फंगस। इसमें क्या होता है कि जो चीजें अल्गा के पास ज्यादा होती है वो फंगस को देता है, और फंगस के पास ज्यादा होती है वो अल्गा को दे देते हैं, तो ये सही है, तो यहाँ क्या जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, सेप्रोफिटिस कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब सेप्रोफिटिस जो प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये भी अगर तुमने मेरा वीडियो देखा होगा पहले वाला, तो इसका आंसर तुम्हें पता होगा, तो सच में ये नहीं बना सकते, ये क्या करते हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, ये क्या करते हैं, डेड एनिमल, मतलब डेड प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किससे रिलेटेड हो गया, ट्रैप सन एनर्जी, मतलब क्या करता है, ये सन की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर किससे रिलेटेड हो गया, इसका मतलब एक ये एनपीके, ये एक टाइप का क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें मैन्यूर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस बता देती हूँ, ये दोनों ही हालांकि प्लांट की ग्रोथ के लिए काम आते हैं, लेकिन जो मैन्यूर होता है वो तो क्या होता है, जैसे खाद, जो कि जैसे मतलब जैसे केमिकल से बना नहीं होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल से बना होता है, तो एनपीके क्या है, फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का क्या हो जाएगा इसमें, लीचेन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होगा इसमें, जल्दी बताओ, गैस एक्सचेंज, स्टोमेटा क्या करता है, गैस एक्सचेंज में काम आता है। अब हाइड्रोपैथिक, ये जो एक प्लांट है वो क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट कहलाता है, ओके। तो ये तुम्हें सबको समझ आ ही गया होगा, अब ये वर्क तुम्हें अपनी नोटबुक में भी करना है, ओके, ठीक है ना, समझ आ गया ना बेटा, कि होमवर्क भी पता चल गया, वर्क भी पता चल गया, तो अब ये वर्क तुम अपनी नोटबुक में करना, सुंदर सुंदर राइटिंग में। नाउ टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।